दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ममता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है मेरा मैके का होम टूर, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, हमने एंट्री ले लिया है मकान के अंदर जाने की। तो ये बगल में एक वॉशरूम है जो छोटा सा वॉशरूम बना दिया है, और उसके बाद में दोस्तों बगल में ही एक कमरा है जो गेस्ट रूम बोल सकते हो, जो गेस्ट वगैरह आते हैं यहीं पर रुकते हैं इस कमरे पर। तो ये गेस्ट रूम टाइप में है, और अभी कोई भी चीज़ एक जगह नहीं रखी हुई है, क्योंकि घर में फंक्शन है। तो बहुत सारी चीज़ें बाहर से आई हुई हैं, सब बिखरा एक तरीके का पड़ा हुआ है। और ये है सामने वाला मेरे छोटे भैया का मकान, तो ये सामने वाला है उनका मकान। और यहाँ पे कुछ कार्टून वगैरह रखे हैं, कुछ सामान वगैरह रखा था। और उसके बाद में दोस्तों हम अंदर के लिए एंट्री लेते हैं, जो कि एंट्री में ये काफ़ी बड़ा चौक है, आप हॉल भी बोल सकते हो। और ये बगल में दोस्तों हमने सोफ़ा नहीं बनवाया था, सोफ़ा काफ़ी ज़्यादा जगह लेता है, तो बेड टाइप में सोफ़े की डिजाइन में सिर्फ फर्नीचर बनवा दिया है। यहाँ पे काफ़ी लोग आके बैठ जाते हैं, जो भी आते हैं तो चौक में ही बैठते हैं। और बगल में ये बाथरूम है, एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग से सब छोटा छोटा ही बनवाया है। और ये कुछ अगल बगल की दीवारों की पेंटिंग वगैरह है, और काफ़ी सारी फ़ोटो वगैरह रखी हैं। ये ऊपर के पंखे की डिजाइन है, और यहाँ बगल में टीवी का फर्नीचर लगा हुआ है। और ये जो खाली जगह दिख रही है दोस्तों, यहाँ पे भी गणेश मैंने पहले ही बनवा लिया था, लेकिन फंक्शन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति लगवाई है काफ़ी बड़ी। और ये जगह पूरी कवर हो गई थी, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई हूँ, ये बात के बनवाया था। ये है फर्नीचर टीवी का, और ये है बगल में वॉश बेसिन, जो कि हाथ वगैरह धुलने का और लाइटेड वगैरह इसमें सारा सिस्टम है। ऊपर बॉक्स रखा है गाना सुनने के लिए काम करते करते। और यहाँ पे है भगवान जी का मंदिर, माता रानी, सारे देवता यहाँ पे हैं। चौक में ही मंदिर है, और ऊपर वो कलश में जवारा वही हुए रखे हुए हैं, क्योंकि अभी गणगौर का फंक्शन चल रहा था। और ये है हमारा पिंडा, जो कि यहाँ पे अंडे वगैरह रखे रहते हैं, और फ्रिज में पानी कोई नहीं पीता है, तो बाहर का पानी ही सभी लोग पीते हैं, तो इसलिए घड़े वगैरह रखे हुए हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे है हमारी रसोई। मैं लाइट जला रही थी, मुझे खुद पता नहीं था कौन सा लाइट का खटका है, इसलिए बंद और ऑन चालू हो रहा था। तो यहाँ पे कुछ सामान वगैरह बिखरा हुआ, ज़्यादा तो नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था। और वो लगा है छोटू सा गीजर, इतना छोटा गीजर आपने देखा है दोस्तों, ये गीजर है, और ये सर्दियों में गर्म पानी के लिए लगाया हुआ है बहुत कम जगह में। और ये है पूरी रसोई का फर्नीचर वगैरह, और रसोई तो काफ़ी बड़ी है, छोटी नहीं है। यहाँ पे सब्ज़ी बनी हुई रखी थी, शायद मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, मुझे याद नहीं है कन्फर्म। और ये है छोटे मोटे सामान रखने की, और ऊपर भी फर्नीचर है जो कि बड़े बड़े सामान रख सकते हैं। ये है पूरा रसोई का, और ये रखी लगी हुई है चिमनी, जो कि जितना भी धुआँ है सब बाहर निकालती है। और यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स टाइप में अरमाली बनाई हुई है, और यहाँ पे भी माता जी का एक स्थान है, जो घर के देवता होते हैं उनको भी यहाँ पे अंदर रसोई के अंदर ही विराजमान करे हुए हैं। ये फ्रिज रखा हुआ है। ये है दोस्तों पूरा रसोई का एक तरीके का होम टूर, आप लोग बताना रसोई कैसी लग रही है। और फिर रसोई के बगल में ही एक रूम है, और यहाँ पे बेड की इतनी जगह नहीं थी, क्योंकि कमरे छोटे हैं, जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए बेड वगैरह नहीं रख मतलब लगाया है, गद्दे ही लगाए हैं। और ये मेन कमरा है, जो कि यहाँ पे सामान वामान रखा हुआ रहता है, फर्नीचर वगैरह सब कुछ एकदम फिट है। और ये है बाबू का झूला, जो कि अभी वो छोटा है तो इस घोड़ी पे ही झूलता है, ये देसी जुगाड़ है दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं होगा, हमारे राजस्थान में बहुत सारी देसी जुगाड़ें लगा के रखते हैं लोग। और ये है पूरा चौक का होम टूर, आप लोग देख लेना अच्छे से।
और कमेंट करके अच्छा अच्छा कमेंट करना, कैसा लगा आपका होम टूर, यानी कि मकान कैसा लगा आपको, इसके बारे में ज़रूर बताना। ये पूरा चौक का ही है, मैं आपको वापस पूरा दिखा रही हूँ। और ये फॉक्स ऊपर जाली लगी हुई थी, तो दोस्तों वहाँ से सूर्योदय फिर कट हुए थे तो उनका फॉक्स एकदम पड़ रहा था अंदर ही। और उसके बाद में दोस्तों मैं ऊपर लेके आपको चलती हूँ। तो ये ऊपर लेके गई हूँ तो बगल में ये हमारे मकान के अगल बगल का एरिया है दोस्तों। और ये सब हमारे ये काका जी का मकान है, उसके बगल में बड़े काका जी का है, ये सामने वाला छोटे भैया का मकान है। ये सब मतलब अड़ोस पड़ोस में सब अपने ही घर हैं, भाई बंधुओं को बोल सकते हो। और ये है हमारी रोड की गलियां जो सूनी हुई पड़ी हैं, अभी दोपहर का वक्त है। और वो है शिव जी का मंदिर, और बगल में ये है पूरा ओपन छत, जो कि कुछ तो छत फेक है कुछ ओपन है, तो वहाँ पे कपड़ा वगैरह सुखा देते हैं। और यहाँ पे मेरी चुन्नी पड़ी थी तो मैंने चुन्नी उठाया। और यहाँ पे चौक में भी फर्नीचर लगा हुआ है। और इसके अंदर ये है हमारी भाभी का मकान, मकान नहीं सॉरी कमरा, ये उनका कमरा है जो कि यहाँ पे इस प्रकार से है। और उनकी फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं, उनकी शादी की डीपी है, जो कि पोस्टर लगवाए हुए थे शादी में तो उनको फाड़ने नहीं दिया किसी को, इन्होंने दीवार पे चिपका लिया। और ये है उनका टीवी स्टैंड का फर्नीचर। और यहाँ पे काफ़ी सारे भगवान की मूर्ति रखी हुई हैं, कृष्ण भगवान से उनको ज़्यादा लगाव है तो ज़्यादातर वो कृष्ण भगवान की ही मूर्ति वगैरह रखती हैं। और यहाँ पे सारे तीन बंदर बैठे हुए हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। और ये है मटकी, जो कि जन्माष्टमी वाले दिन यूज में आती हैं, वैसे तो नहीं आती हैं। और ये है पूरा बेड का उनका फर्नीचर, तो बेड तो उनका बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 10 आदमी सो सकता है, इतना बड़ा बेड बनवाया है। और ये बगल का फर्नीचर अरमाली का है, अभी बेड शीट नहीं लगाई हुई है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अभी काम बहुत सारे हैं, सारे लोग बिजी हैं तो मकान इतना सेटलमेंट नहीं है, क्योंकि घर में फंक्शन होता है तो इसी प्रकार का रहता है। और ये पीछे के साइड में उनका वॉशरूम और लेट बार दोनों एक साथ अटैच में हैं। यहाँ पे भी गीजर वगैरह लगा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से है। और ये स्टोर रूम टाइप में बोल सकते हो, फालतू का सामान वगैरह रखा रहता है। एक कृष्ण जी देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आप लोग दोस्तों कमेंट 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 करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को होम टूर कैसा लगा, मकान के बारे में बताइएगा आपको मकान कैसा लगा। और व्यवस्थित तो पूरा एक जगह सामान अभी सब बिखरा हुआ पड़ा है दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ कि घर में है फंक्शन तो इसलिए सामान वगैरह चारों तरफ फैला हुआ है, एक जगह कुछ भी सेटलमेंट नहीं है। अगर एक जगह सारी चीज़ें रहें तो और ही अच्छा लुक आए, लेकिन जो है आप लोगों के सामने है, छोटा मोटा जैसा भी है। ये पूरा ओपन एरिया है, और यहाँ से नीचे जाने के ये नाला है, ये छोटी सी चक्की रखी है जो कि यहाँ पे आटा भी पीसते हैं, ये टंकी में गेहूँ रखे हुए हैं। और यहाँ से मैं नीचे जा रही हूँ, और ये नीचे की खिड़कियाँ हैं। और ये खिड़की से देखिए, इस खिड़की से पूरा अगल बगल का नज़ारा दिखता है। और उसके बाद में दोस्तों फाइनली मैं नीचे उतर आई हूँ, तो ये आप लोगों का नीचे का पोर्शन तो दिखाई दिया है। तो आप लोग अब कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा होम टूर। और दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें, टेक केयर, मिस यू।